Carrier 315 ने गिफ्ट में दिया है। तो आज हम इस घर का रिव्यू करने वाले हैं। ऐसे ये पहला घर Carrier 315 का था, उनके चैनल पर जाके आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट वाला वीडियो में। और तो मैंने ये घर को उन्होंने मुझे सिर्फ 50 लाख में दिया है, बहुत महंगा है मालूम है। तो आज इस घर का रिव्यू करने वाला है, थैंक यू उनको, इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आती है हमारा ग्रीन, हम मैंने यहाँ पर लाइटिंग लगवाई है जो कि उन्होंने नहीं लगवाई थी लेकिन मैं लगवा दी क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी। और बाकी यहाँ पर ये छोटी सी दीवार है ताकि मैं उछल सकूँ। और यहाँ पर डस्टबिन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा है, लेकिन मैं दिखाऊँगा नहीं क्योंकि अंदर से बहुत बीमार आती है और बापू जी इसके अंदर विमल भी थूकते हैं इसलिए बहुत। और ये डोरेमोन यहाँ कर रहे हैं, डोरेमोन निकल रहा है ऐसे, चला भी गया, अब मेरी दुकान बहुत चल रही है। ये गार्डन जो कि जेठिया ने बनाया है, जेठे आजकल बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए उसने गार्डन बनाया है। और ये पेड़ मैंने उगाए हैं छोटे छोटे क्या, ताकि मैं ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। और ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा सा रोज़ जो कि मैंने बचपन में लगाया था, अभी तक इतना ही छोटा है। तो अभी हम आते हैं इस जगह पर मैं जेठिया अपने दोस्तों के साथ ठिकड़ी खेलता है। आई नो वो गर्ल्स का गेम है लेकिन वो खेलता है। और ये देखो जेठिया महाराज अंदर आराम फैर मार रहे हैं। और यहाँ पर ये सब देख सकते हो, यहाँ पर ये हमने ये मैंने कुछ लगाया है ये डिज़ाइन टाइप का कि ऑरेंज लगा। और यही देखो, ये बापू जी ने अपना कैक्टस प्लांट लगाया, बहुत लग रहा है। ये देखो मैंने गोल्डन ब्लॉक से सजावट की है, बहुत पैसा है मेरे पास। उसके बाद ये हमारा घर और ये लाइटनिंग और ये हमारा लिविंग, ये हमारा किचन है जहाँ पर मैं बैठता हूँ। मैं हम लोग बैठ के जेठा और बापू जी बैठ के खाना बनते हुए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा ये स्टोव और बाद में आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट फ्रिज जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो हमारा ट्रांसपेरेंट फ्रिज, अब ये ट्रांसपेरेंट क्यों मुझे नहीं पता, ये सस्ते में मिला इसलिए उठा लिया। और यहाँ पर देख सकते हो खाने में केक है, जामुन का केक, ये बिस्किट्स है और ये मेरे मस्का बन है क्योंकि मुझे मस्का बन बहुत पसंद है। और बाकी ये आता है हमारा ओवन जिसके अंदर अभी हम लोगों ने ये बर्गर रखा है। और ये स्टोव है जिसके ऊपर हम लोग हर बार हम लोग पराठे और रोटी बनाते हैं। और नीचे ओवन, नीचे और एक माइक्रोवेव जिसके अंदर अभी केक बन रहा है। और ये बेजिंग है काला कलर का, पता नहीं क्यों काला हो गया जिस। और ये हमारे बाबूजी आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार ये बाबूजी भी ना अच्छे बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं। बाकी आता है हमारा आयशा, अरे अरे तू कौन टीवी बैठ रहा है इधर, टीवी बैठ रहा इधर इधर मेरे घर में कैसे ना वहाँ बिताई टीवी बैठ रहा। काफ़ी मेहनत से मना, ये भिखारी भी ना आकर बाबूजी से ज़बरदस्ती पैसे ले लेते हैं, बाबूजी डर के मारे भाग गए देखो। हाँ बाकी ये हमारा आलीशान डाइनिंग टेबल जहाँ पर ये पंखा है। और यहाँ पर इतना बड़ा टेबल इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर गेस्ट बहुत आते हैं, तो गेस्ट जब आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के आते हैं इसलिए अभी। और यहाँ पर हमारा लिविंग रूम, और ये लिविंग रूम बहुत थोड़ा सा छोटा है क्योंकि, और यहाँ पर देख सकते क्योंकि इसमें बहुत खर्चा नहीं कराया। तो सबसे पहले आता है हमारा टीवी जिसके ऊपर अभी, अरे अरे यार रुको यार, हंसने आजकल घर में तो दिखाई ना कहीं से भी आ जाते, अब आने दो उसको, मार दूंगा यार। ये बापू जी आ गए अभी यार, ये हंस की वजह से घर भी नहीं, ये सॉम्बीज की वजह से घर भी नहीं दिखाने दे। अभी आता है हमारा सोफ़ा क्योंकि कुछ बार कभी कभी मेहमान यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं। और ये देखो यहाँ पर सोफे भी लगा हुए हैं। और अभी ये है बाबूजी का स्टडी टेबल, अब सोचो कि बाबूजी इतना बड़ा हो गया है फिर भी वो पढ़ाई क्यों करते हैं। वैसे बाबूजी अभी नौकरी करते हैं और नौकरी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें वो पढ़ने होते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशली बनाया है। अभी आते हैं हम लोग मेरे इस जगह पर जिसे हम कहते हैं संडास। तो इस संडास में सबसे पहले जेठिया महाराज ने फूल लगा दिया, बहुत शरारती है, एक नंबर का पागल आदमी है। और यहाँ पर आ गया वापस दिखा लिया, निकलना छुट्टा नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर
जहाँ पर हम लोग हर तरह की वॉश बेसिन बोलते हैं, एक पानी बंद ही नहीं होता कभी, पानी जो खराब हो गया है। अब आते हैं बाथटब। अरे बाथटब में मस्त ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। अरे शिट, मैं बाथरूम में बाथटब में बैठने से पहले चड्डी तो निकाल ही नहीं। अरे यार, अरे यार, ये क्या हो गया, क्या हो गया। बाकी आता है शावर, जो कि बता दो। अरे यार, फिर भी मैं वापस चड्डी नहीं उतार रही। एक काम करता हूँ अभी, ये दिखा दो, ये संडास। तू क्या देख रहा जेठिया, निकल वहाँ पर, छुप गया। देखते हैं सबसे पहले संडास में, तभी मैं चलो हाथ धो लेता हूँ, क्योंकि मैंने संडास को हाथ लगाया था। मतलब पूरा गीला हो चुका हूँ। अब हम बताएंगे आपको, अब मैं बताऊंगा आपको, मैं अभी मैंने किचन भी बता दिया, अब मैं आपको गराज दिखाऊंगा अपना। वैसे ये वो तो सबसे पहले गराज के अंदर आता है हमारी हमारी इनोवा, सॉरी हमारी रेंज रोवर, जो जिसे अभी मैं बन जिसका इंजन में जिसका इंजन अभी को पता नहीं कुछ हो गया इसके अंदर गड़बड़ी, जिससे कि चल नहीं रही, लेकिन जल्दी ही चल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे अब बंद करते हैं और अभी हम आते हैं। आप सोच रहे ये कमरा कौन सा है, तो ये कमरा नहीं बल्कि स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम के अंदर उन्होंने पुरानी चीज़ें रखी है, जैसे कि पुराना या बाबूजी का पुराना स्टडी टेबल, ये मेरा म्यूजिक वाला बॉक्स जो कि अभी बजता है, जो कि अभी भी बज रहा है, सारे गामा पा। और बाद में आते हैं जेठिया की बुक, जो कि जो मेरी कॉमिक बुक, जो कि मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था। और ये हम ये हमारा ये मेरा लोहे को गर्म करने की चीज़, जिसे हम एनिवल बोलते हैं। और बाकी आता है ये चेस्ट, जिसके अंदर पुरानी चीज़ें होती है। ओ हो, ये देखो, ये मकड़ी के स्टिंग, ये बाबूजी का सैंडविच जो कि इन्होंने अंदर रख दिया था, ये बाबूजी की सैंडविच वाली चटनी। और बाद में आता है, अरे ये तो लेगो सिटी है, ये तो जेठिया की है, अरे ये तो मेरी लेगो सिटी है। और ये आता है मेरा हेलमेट, जो कि मैं जब स्कूटी चलाता था तब इस्तेमाल करता था। यार ये लेगो सिटी कोई कितनी ज़्यादा बसी है, मैं इसे अपने घर के आंगन में खेला करता था, वो भी क्या दिन थे यार। चलो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर हम जाते हैं। और एक मिनट, टाइम कितना हुआ? ओह माय गॉड, टाइम तो बहुत बढ़ गया है। मुझे 13 मिनट, रात होने वाली है, अब मुझे रात तो हो चुकी है। काम करते हैं, मैं अपने कमरे में मैं आता हूँ सो के। तो दिन हो चुका है दोस्तों, तो अभी हम बताते हैं जेठिया और बाबूजी का कमरा। वैसे उन दोनों के कमरे, अरे बाप रे, वहाँ पर भिखारियों की लाइन लग चुकी है। तो बैठा पता चलता था तो ये सबसे पहले आता है जेठिया का लैपटॉप, लैपटॉप रख लिया अपना, एक नंबर का जाड़िया है, एक नंबर का मोटा खाता रहता पूरा दिन, पढ़े भी लेकर नहीं, यानी तो ये बेइज्जती करना नहीं छोड़ता है। यहाँ पर देखो वो गेम खेलता रहता है। अच्छा, आजकल जेठिया महाराज कुछ ज़्यादा ही मूवी देख रहे हैं, उनका मूवी सब बंद करना पड़ेगा। इसके अंदर जेठिया बाबूजी के कपड़े हैं, लेकिन जेठिया अभी कपड़े बदल रहे तो हम लोग चलते हैं। और मैंने इस अंडा को दिखा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना बैकयार्ड। और हमारे सबसे पहले हमारे बैकयार्ड की शुरुआत होती है हमारे इस मेरे इस गार्डन से, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सबसे पहले ये जामुन वाला पेड़, जो कि मैं जिसमें से मैं जामुन निकलता हूँ, वैसे अभी जामुन नहीं उगे हैं। और ये है हमारा गार्डन, जिसके अंदर बहुत सारे घास फूस और फूल निकले हुए हैं, जो कि मैंने बहुत अपनी मेहनत से उगाए हैं। और उसके बाद आते हैं ये झाड़ियाँ, जिसके अंदर लगी हुई है ये बैरी सोशीट, मैंने झाड़ी तोड़ दी, बाबूजी मेरे को तोड़ देंगे। ये आता है हमारे बाबूजी का गार्डन, लेकिन जो कि उन्होंने बनाया है, और ये काफ़ी ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और इन्होंने और यहाँ पर ये हमने तुलसी प्लांट भी लगाया, जो हम तुलसी प्लांट भी लगाने वाले हैं। और इसके बाद आता है ये मेरा खेत, जो कि मैं छोटा था तब मैंने बनाया था, तब मुझे पता नहीं था कि वो वीट के सीड से मुझे गाजर उगाने थे, लेकिन वीट उग गए, कोई बात नहीं, हम इसी के पर आत्मनिर्भर हैं। और ये डंडी है। बाद में आता है ये हमारा स्टोव, जो जिसके ऊपर नॉन वेज लगा हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैं आजकल नॉन वेज कैसे खाने लगा, एक्चुअली ये मेरा नहीं, ये जेठिया का है, क्योंकि जेठिया को हर फ्राइडे, उसे फ्राइडे का उसे हर दिन नॉन वेज चाहिए, सिवाय सैटरडे और ट्यूजडे, क्योंकि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं उस दिन।
और वो मैं नहीं खाता। अरे यार स्केलेटन की ऐसी की तैसी। अरे वाह स्विमिंग पूल में आए। अभी अभी ये स्विमिंग पूल, इस स्विमिंग पूल के अंदर मैं डाई मारता हूँ। शिट, अब तो मेरे कपड़े ही गंदे हो गए यार। ये बाबूजी यार, मैं तो आज मेरे साथ क्या हो रहा है पहले। अरे यार ये स्विमिंग पूल की मरम्मत करने पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। देखो इसके बाद आते हैं ये हमारी ये जगह जिसे हम बीच पार्टी बोलते हैं, जिसमें हमने ये छाता लगाया है और ये कुछ सीट है जहाँ पर हम लोग ऐसे पसड़ के स्विमिंग पूल अपने और घर को देखते हैं। आप सोच रहे होंगे ऊपर वाला कमरा अब मैं अपने, अरे इस सारी चीज़ों में मैंने अपना कमरा तो दिखाया नहीं, चलो अपना कमरा दिखाते हैं। और अरे ये भिखारी, इस भिखारी की तो ऐसी की तैसी। अभी घर में घुसता था तो बाबूजी के पास पास ज़्यादा भीख मांगने को सारा जा लिया। हाँ अभी बाहर थे ही तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैलियस ने पहले अपना साइन लगाया था, लेकिन ये चेंज करके मैंने अपना नाम लिख के हाउस A1 लिख लिया है। चलो अब हम अंदर जाते हैं रूम के अंदर। अब रूम के अब हम देखो हमारा घर। अब हम मैं आपको अपना कमरा दिखाना हूँ जिसके लिए मैंने इतना खर्चा किया है, जितना खर्चा Kalyas 350 की बॉडी Kalyas 350 ने भी नहीं किया होगा। ऐसे वो हमारे बाजू में ही बैठे हैं। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो वैसे मुझसे छोटा है, लेकिन उनकी चैनल पे मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर, इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा ये पंखा और यहाँ पर काउच क्योंकि मैंने बैठने के लिए लिया है। और यहाँ पर एक और सोफ़ा आता है ताकि मेहमान आ गए तो बैठ सके। बाकी आता है मेरा एलिशन बेड। यहाँ पर आप सोच रहे हैं 3 बेड क्यों, मैं अकेला दो सिंगल हूँ। आप सोच क्योंकि मुझे पसड़ के सोने की आदत है, मैं ऐसे जैसे सोने वाला होता ना मैं उसे पूरा फैल जाता हूँ जिससे कि पूरा ये बेड कवर हो जाता है। बाकी आता है ये लैपटॉप जिसके अंदर GTA 5 चल रही है, सॉरी GTA San Andreas चल रही है जो कि मैंने ऐसे छोड़ दिया, वो मैं बाद में खेल लूँगा। बाकी यार TV जिसके पर तारक मेहता चल रहा था, लेकिन अब ये TV बिगड़ गया तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। बाद में आते हैं यहाँ पर और हमारा द फुल डेजर्ट व्यू, जिससे कि हमें पूरा ये डेजर्ट दिखता है और यहाँ ये स्विमिंग पूल जो कि छोटा है। अब दिखाता हूँ ये यहाँ ये जगह पर मैं अपने आइडियाज, यहाँ से गार्डन दिखता है पूरा मेरा ताकि नजर रख सकूँ कि वहाँ पर कोई टाइगर वाइगर तो नहीं आ गया। और यहाँ पर ये TV है और एक TV है जहाँ पर मैं और तारक मेहता देखता हूँ। और यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं और झाड़ और ऊपर गाइज एक बहुत अच्छा सा रूम है जो कि मैं आपको 1K पे दिखाऊंगा। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं बोलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।